ओके और ये जो होती है ऐसी चेयर आप देखती हो तो इनका मीन्स दे आर नॉट मैरिड, ये इनका ऐसे फ्रंट से भी ऐसे होता है। अभी गर्मी पूरी पीक पे है और हम लोग भी पूरे पीक से चल रहे हैं। इनका होता है जैसे कि कैटल्स देते हैं हमर ट्राइब में, और ये गन देते हैं फैमिली वालों को, लड़की की फैमिली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा प्लान बन रहा है, पिछली बार मैंने कवर किया, दो ट्राइब्स कवर की, कारू ट्राइब मैंने कवर की और हमर ट्राइब मैंने कवर की, फुली एक्सप्लेन करा उसको। तो आप लोगों ने देखा उनका डांस वांस सब कुछ देखा और आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया। और अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हो, मेरी पिछली वीडियोज़ को चेक कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो भी देख सकते हो, आपको खूब मज़ा आने वाला है। अभी आपको पता होना चाहिए कि मैं ईस्ट अफ्रीका में हूँ, ईस्ट अफ्रीका की कंट्री इथोपिया में हूँ, और इथोपिया में जो मैक्सिमम ट्राइब्स हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक मैंने दो ट्राइब्स कवर करी, कारो ट्राइब, हमर ट्राइब। आज का मेरा प्लान है दसंच ट्राइब को कवर करने का, तो आपको इस वीडियो में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अब्दुल गफ्फार खान है, मैं एक वर्ल्ड ट्रैवलर हूँ, दुनिया घूमने के लिए निकला हूँ। अगर आप लोगों को भी दुनिया देखनी है, YouTube के रेड बटन को ब्लैक कीजिए, Facebook पे गफ्फार व्लॉग्स को फॉलो कीजिए, Instagram पे भी फॉलो कीजिए, सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। सुबह के 6 बजे के उठे हुए, अभी 9 बज चुके हैं, और सुबह के 6 बजे उठ के हमारी जो होस्ट थे वही कह रहे थे कि बहुत जल्दी हमारी गाड़ी आने वाली है या लाइक बाइक आने वाली है, लेकिन बहुत टाइम लगा दिया, 3 घंटे हमारी टोटली वेस्ट कर दिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ बहुत चीटिंग हो रही है, सुबह की 6 से अभी 9 बजे हुए तो वो प्रॉब्लम हो रही है। अभी हमारे पास बाइक्स होती है तो हम अच्छे तरीके से शूट कर पाते, अभी किसी की गाड़ी पे हमें बिठाए और हम उनसे पैसे भी ले लिए हुए हैं, तो हमें किसी की गाड़ी पे हमें ले जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं, यासीन भाई का मूड है जो पूरा ऑफ है, पूरा मूड ऑफ है क्योंकि एक तो टाइम वेस्ट किया हमारा इन लोगों ने। पिछली जो कारो ट्राइव की रोड थी वो आप देखेंगे वो बहुत बढ़िया रोड थी, लेकिन इस रोड पे अभी कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, अच्छी रोड नहीं है, देखिए कितना टाइम लगता है क्या नहीं है ना। फाइनली हम यहाँ पे दसंच विलेज ट्राइब है जो वहाँ पे हम पहुँच गए हैं, और हम दिखाने के लिए पानी है मेरे हाथ में, बाकी बैग्स हम अपने गाड़ी में रख के आए हैं। तो हमारे साथ 4-5 बंदे और हैं, वो बिल्कुल मेरे आगे जा रहे हैं, और यहाँ पे दिस ओमो रिवर राइट, मुझे लग रहा है कि ये हमें क्रॉस करना पड़ेगा यार, भाई सब ऐसी कुछ बोट है और इस बोट पे हमें भी बैठना पड़ेगा। पीछे यासीन भाई को देख लो और आगे मैं हूँ। तो ये बोट है ना, जो ये बोट लग रहा है कि पूरा पेड़ का जो और लॉग होती है ना वो गोल राउंड राउंड, उसको बीच में से उखाड़ के वो पूरा बनाया हुआ है, मुझे ऐसी फील आ रही है। पीछे देख भी लो कैसे चलाते हैं। यू पीपल स्विम हियर? यस। यू पीपल स्विम फ्रॉम हियर टू देयर? यस। ओह सुपर। These people can cross the river by swimming from here to there. I can. You also? Yeah. You know swimming? Yeah, I can swim easily. Swimming भाई मुझे भी आती है, बचपन में हमारे घर के पास जैसे कि आपको मैंने बताया दरिया है और उस दरिया में बहुत ज़्यादा swimming करी हुई है। ये ओमो रिवर क्रॉस करना पड़ता है आपको डेसेनच, सो डेसेनच ट्राइब को देखने के लिए हम फिलहाल आ गए। हमारे साथ ये दूसरी बोट थी, ये दूसरे बंदे, इसको हमने क्रॉस किया वहाँ से यहाँ। टूर गाइड, तो ये है हमारे टूर गाइड। व्हाट इज योर गुड नेम? ओइता। ओइता? या ओइता, ओइता फ्रॉम हमर ट्राइब। ओके, या सो नाउ वी आर इन दसनिच विलेज। सो दसनिच विलेज दे लिव लास्ट टाउन ऑफ इथियोपिया टू केनिया बॉर्डर। ओके, इट्स द लास्ट टाउन ऑफ इथियोपिया। दिस इज ओमो रिवर, सो आफ्टर क्रॉसिंग केनिया। ओके, तो अभी ये इन्होंने जो बताया है कि ये ट्राइब है जो दिस इज आफ्टर दिस इफ यू आर क्रॉसिंग दिस एरिया देन देयर विल बी अ केनिया, केनिया आ जाएगा, केनिया और इथियोपिया की बॉर्डर पे है ये लास्ट विलेज है। फिलहाल मुझे लग रहा है ये जो सामने बंदे जा रहे हैं ये वही होंगे, सो लेट्स सी। गर्मी पूरी पीक पे है और हम लोग भी पूरे पीक से चल रहे हैं, पूरी रेत ही रेत है, गर्मी भी है, धूप पूरी है, और पूरा आसमान आप देख सकते हो ब्लू ब्लू है, कोई भी क्लाउड्स बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे साथ टूर गाइड ये दो बंदे, ये हमारे साथ टूरिस्ट दो, और ये बंदा पता नहीं कहाँ से आया हुआ है।
तो हम लोग सीधा वॉक कर रहे हैं, आगे हमें पता नहीं कितना ले जाएंगे, तो चलो आगे जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, इट विल बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। फाइनली जनाब हम डसनच ट्राइब में पहुंच चुके हैं। डसनच ट्राइब का कुछ ऐसा है, मैं आपको पहले डसनच ट्राइब का, ये थोड़ा सा हामर ट्राइब के साथ मिलती जुलती है, बस इनके हाउसेज है जो डिफरेंट होते हैं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे के दसनच ट्राइब और हमर ट्राइब में थोड़ा थोड़ा सा ऑलमोस्ट थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा सा सेम होता है। आपको मैंने हमर ट्राइब में बताया कि हमर ट्राइब में जो शादी होती है, एक बंदा चार शादियां कर सकता है, तीन शादियां कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो रिच होना चाहिए, उसके पास बहुत ज़्यादा कैटल्स होने चाहिए, कैटल्स ज़्यादा होंगे तो वो रिच होगा और वो तीन चार शादियाँ करता है, वरना सिंगल सिंगल शादी होती है और उनकी शादी होती है बुल जंपिंग के थ्रू होती है, बुल जंपिंग में वो करते हैं शादी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बुल जंपिंग के बिना इनकी शादी होती है। और ये इनका होता है जैसे कि कैटल्स देते हैं हमर ट्राइब में, और ये गन देते हैं फैमिली वालों को, लड़की की फैमिली वालों को गन देते हैं। इट डिपेंड्स कितनी गन्स दे सकते हैं, लेकिन ये गन्स देते हैं। लेफ्ट राइट हाफ टू द बैक। अंटिल शी गॉट मैरिड शी विल नॉट हैव अ राइट टू हैव अ डिफरेंट हेयर स्टाइल सेम व्हाट शी हैज। शी इज नॉट मैरिड। She is married. How do you know that? Because nature give to everyone equal, that is hair. Okay. Sometimes in a family, if they are from poor family, they cannot have what is goat skin. Okay. The who not married has two pieces of goat skin, in front cover and at the back cover. Okay. When they become married, they will have one made of cow skin, full cover. Okay. So they are from poor family. That's okay. Why they have what the nature give to everyone equal. Okay. She's married. Okay. And what she has all to the backside. Okay. And she has a children, but it doesn't tell the numbers of the child. It tells that she has more than one. This is the sign of mom, the okay. Who has a children. Okay. But it doesn't tell the numbers of a child. Okay. It tells that she has more than one. Okay. आप ये जो सिर पे देख रहे हो जो निशान है सिर पे, इसका मतलब एक से ज़्यादा बच्चे हैं इसके। और ये जो होती है ऐसी हेयर आप देखते हो तो इनका मीन्स दे आर नॉट मैरिड। ये इनका ऐसे फ्रंट से भी ऐसे होता है और बैक से ये ऐसे होते हैं। एंड दिस इज बटर एंड सॉइल। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन। Okay. Like what you have. Okay, okay, okay. Because it get hot, they cannot get hit by the sun. Okay. Very strong, right? Yes, very strong and soft. Always like this. Okay. But she will get renewed. And every 2 weeks, she will get washed and she will have a different. After 1 week? After 1-2 weeks. Okay. It depends what she has. तो ये बता रहे हैं कि ये जो ऊपर हेयर के ऊपर ये कलर वगैरह लगाते हैं, इट्स अ बटर एंड ऑयल, राइट? बटर एंड सॉइल। इससे ये होता है कि जो गर्मी होती है, हीट होती है, उससे वो बचते हैं। जैसे कि हफ्ते तक चलता है और एक हफ्ते के बाद इसको रिमूव करते हैं, नहाते हैं और उसके बाद ये दोबारा से वो करते हैं। ये मिल्क कंटेनर हमें पता ही है, पूरा ओल्ड स्टाइल में आप लोग देख सकते हो। वाह, देख सकते हो क्रोकोडाइल टीथ के बने हुए हैं ये। तो दूसरी बात ये मैं बता रहा था कि ये सारे इनके लाइक मान लो इनके मार्केट लगाई हुई है इन्होंने, और ये सब बेचते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं वो लेते हैं। और इन लोग ये लोगों को अगर आप देखेंगे तो ये खुद भी पहनते हैं। बाकी गर्मी बहुत होती है यहाँ पे, पानी का जुगाड़ क्या करते हैं वो मेन चीज़ है, जो यहाँ पे ओमो रिवर है उस ओमो रिवर का यूज़ करके पानी का यूज़ करते हैं ये। हमर ट्राइब में कैटल्स दिए जाते हैं, बहुत सारी बेंसे नहीं कैटल्स, लाइक यू नो वाटरी से गोट्स और शीप्स दी जाती हैं हमर ट्राइब में। लेकिन इस ट्राइब में या तो गन दी जाती, पहले तो मैंने आपको गन भी बताया, गन दी जाती है या तो काउस दी जाती हैं। इट डिपेंड्स, अगर उनके पास गन है तो गन देंगे, अगर गन नहीं है तो काउस देंगे, और काउस भी उस हिसाब से देंगे। मैंने कहा था कि आपको एक काऊ या दो काऊ नहीं, इट डिपेंड्स कि उस लड़की के कितने ब्रदर हैं।
लड़की के ब्रदर्स के हिसाब से वो 5 काउ भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं। कि वन टाइम है जो काउ से नहीं देनी होती हैं, क्योंकि जब शादी हो जाती है उस लड़की को ज़रूरी भी होता है कि उसको बच्चे पैदा होने चाहिए, उसको बच्चे बेबी बॉर्न करने चाहिए। अगर बच्चे वो बॉर्न नहीं कर पा रही है तो फिर वो उस लड़की को वापस भेजेंगे, फिर वो ना तो काउस देंगे फिर उसको वो वापस भेज देंगे। सो फिलहाल इसी ट्राइब दसनस ट्राइब में हम रुके हुए हैं, तो अभी मैं कोशिश करूंगा इनके घर के अंदर जाने की और देखूंगा कि इनके घर के अंदर क्या है। ये बाहर से अगर आप देखेंगे तो पूरा टीन के साथ, टीन शीट के साथ है। इसके ऊपर जब हीट पड़ती होगी तो ज़्यादा हीट होती होगी, नो डाउट। पूरा क्लोज रखा हुआ है। पहले तो यहाँ पे दो डॉग के बच्चे, पप्पी बोलते हैं शायद इनको। हाय, ये है घर, इनका पूरा घर ऑलमोस्ट हमर ट्राइब की तरह ही है। ये तो पता नहीं क्या है यार, हमर ट्राइब की तरह ही है। फिर ये लोग सोते हैं यहाँ पे, और एक फैमिली, पूरी फैमिली का घर होता है ये। अगर आप बाहर से जो टीन शीट का आपको दिखता है ना, ये पूरी फैमिली का होता है। यहाँ इनका खाना बनता है। हेलो, हाय। वैसे अंदर हीट थोड़ी कम है यार, मैं सोच रहा था कि हीट ज़्यादा है लेकिन हीट कम है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। ये है जनाब अंदर, अंदर से इनका घर। It's their game, right? Mm-hmm. Another thing that I wanna know about this, how they get the water out here? It's very dry and very nice. Cooking and drinking. That's clean for them. This one, yeah, they drink that. Everything they use that. It's clean. It's Omo River. Omo River, the famous river. Okay. No problem for them. It's clean. Okay. तो पानी का भी ये वही यूज़ करते हैं, ओमो रिवर जो आपके पास से निकलता है, तो वहाँ से ही ये पानी खाने के लिए भी और पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी मैं और बात बता दूँ यहाँ पे कि ये बिल्कुल लास्ट विलेज है इनका, ये लास्ट विलेज दसनज ट्राइब है जो ये लास्ट विलेज में आती है। और यहाँ से यहाँ के साथ साथ बॉर्डर पर आता है कीनिया एक साइड पर, इस साइड ब्रदर वन साइड इज़ कीनिया, दैट साइड इज़ कीनिया, राइट? Kenya, this side. Yeah, yes. And there? South Sudan. Hello. Okay. Oi. तो यहाँ पे इस गांव के साथ साथ दो बॉर्डर्स आती हैं, एक केनिया आता है और दूसरा साउथ सूडान आता है। और दूसरा ये साथ में है जो ये राउंड राउंड बनाया हुआ है ये स्टिक्स के साथ, इसको इसमें कैटल्स वगैरह रखते हैं। कैटल्स यू कीप गोट शीप, ओके, गोट और शीप्स वगैरह ये रखते हैं। अभी हम वापस निकल रहे हैं दसनज ट्राइब को एक्सप्लोर करने के बाद। दसनज ट्राइब को मैंने आपका हिस्ट्री बताया। ओ यार, मैं कैसे बात कर रहा हूँ? काउस यहाँ पे रहती है ये बता रहे हैं। और मैं आपको अपनी बात बता रहा था कि मैं जिस भी कल्चर पे जाता हूँ ना, मेरे को पता नहीं आदत क्या हो जाती है, जैसे ये लोग इंग्लिश बोलते हैं मैं वैसे इंग्लिश बोलने लग पड़ा था, मेरी बातें भी वैसे निकलती हैं, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग। तो ये ऐसे बोलते हैं, ये जहाँ जो अफ्रीकन लोग हैं ना, ये लोग ऐसे बोलते हैं इंग्लिश। और मेरा पता नहीं क्या यार, मैं जिस जगह पर जाता हूँ मुझे वैसे ही बातें निकलने में, अभी मुझे लग रहा था मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि कैमरा सामने और आप लोगों से बात कर रहा था। और ये रा को थोड़ा अखींच के बोलते हैं, कंट्री जो होती है ना, कंट्री को बोलते हैं कंत्री, कंत्री। तो मैं भी वैसे ही बात कर रहा था कि दिस इज स्टोरेज, दिस इज आल्सो स्टोरेज, यस, फॉर कॉर्न, यस, द ओनली द स्टोरेज इज स्टोरेज। ओके, ये भी स्टोरेज है, जैसे कि मक्की का स्टोरेज, कनक का स्टोरेज, चावलों का वो कोई बॉक्स होता है तो उसमें वो डालते हैं, तो वो सब कुछ। तो फिलहाल पूरी रेत ही रेत है, राजस्थान का बहुत सारा एरिया है ऐसा, पूरी रेत ही रेत है। और हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क करी और अब हम निकलेंगे इसी गाड़ी पे वापस। आज के दिन हमने आपको दसनज ट्राइब विज़िट करवाया, दसनज ट्राइब की हिस्ट्री बताई, क्या करते हैं लोग, क्या खाते हैं, कैसा रहन सहन है उनका, क्या है उनके आसपास, वो सब मैंने दिखाया आपको। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्चा हो रहा है, आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो कैसे होगा ये काम।
सो यू हैव टू लाइक कमेंट शेयर अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हो वी कैन सॉर्ट इट आउट मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान फैमिली वालों का ध्यान आस पड़ोस वालों का ध्यान सबका ध्यान रखें और इंपॉर्टेंट मैसेज जो हमेशा देता हूँ कि अपने बच्चों को फ्यूचर की इंपॉर्टेंस बताएं उनको पढ़ाई की तरफ खींचें उनको दारू बीड़ी गुटखा तंबाकू शराब इन सारी गंदी आदतों से बचाएं।